नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है, ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, ये आपको डेली रीड करने होते हैं और इसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे रोल ऑफ प्रेपोजिशन। दोस्तों, प्रेपोजिशंस के कई सारे रोल हैं। ज्यादातर लोगों को प्रेपोजिशंस यूज करना नहीं आता है। जैसे बेसिक, आज हम लोग जानेंगे बेसिक रूल ऑफ प्रेपोजिशन। दोस्तों, अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब भी आती है, बट ऐसा नहीं है। दोस्तों, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है। जैसे अगर मैंने कहा आफ्टर क्लास आई गो टू ऑफिस, आई गो टू द ऑफिस। अगर आपने कहा क्लास के बाद में मैं ऑफिस जाता हूं, तो आपने कहा आफ्टर क्लास आई गो टू द ऑफिस। सो दोस्तों, यहां आफ्टर एक तरह का प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है बाद में, और क्लास एक तरह का नाउन है। तो आफ्टर यानी प्रेपोजिशन के बाद में हम हमेशा नाउन यूज करते हैं। आफ्टर क्लास आई गो टू द ऑफिस, क्लास के बाद में मैं ऑफिस जाता हूं। सो दोस्तों, आफ्टर यानी प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन यूज किया जाता है। एक तो ये रूल है। दूसरा, नाउन कई तरह के होते हैं, जैसे कि डॉग, मनी, लव, बैंकॉक जगह का नाम भी हो सकता है, मैरी किसी इंसान का नाम, ये भी नाउन कहलाता है। यू, हिम, अस, ये सब नाउन कहलाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, एक नाउन वो भी होते हैं जो आईएनजी जोड़कर बनते हैं। आईएनजी यानी वर्ब प्लस आईएनजी जोड़कर नाउन बना सकते हैं, और ऐसे नाउन को हम लोग जेरेंड कहते हैं। जैसे स्विमिंग, स्विमिंग होती है तैराकी। अगर आपने कहा तैराकी के बाद, तो ऐसे में आप कहेंगे आफ्टर स्विमिंग मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू द ऑफिस। स्विमिंग के बाद मैं ऑफिस जाता हूं, आफ्टर स्विमिंग आई गो टू द ऑफिस। सो दोस्तों, यहां जो स्विमिंग है ये कंटिन्यूटी नहीं दर्शा रहा है, बल्कि ये भी एक तरह का नाउन होता है। सो दोस्तों, वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का रोल भी करता है, और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में या तो हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां लिखा है अ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय वर्ब, इफ वी यूज इट वी मस्ट यूज वर्ब प्लस आईएनजी एंड दैट इज अ काइंड ऑफ जेरंड। दोस्तों, इस तरह से प्रेपोजिशन को यूज किया जाता है। आई होप यू लर्न दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर।